का आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जानेंगे कि किसी भी राज्य के सूचना आयोग में द्वितीय अपील में किस प्रकार अपना पक्ष रखें, जिससे लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके एवं उसे आर्थिक दंड लगवाया जा सके। तो जो पहली बार चैनल देख रहे हैं वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह की उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें अवश्य मिलता रहे, और एक दूसरे को अवश्य शेयर करें, जिससे हम लोगों को इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम लोग इस के बारे में जानेंगे। तो जब भी हम लोग सूचना आयोग में धारा 19 के तहत द्वितीय अपील करते हैं, और द्वितीय अपील में जो आवेदन होता है उसके बाद जो आयोग में सुनवाई होती है उसमें किस प्रकार अपना पक्ष रखेंगे, आप लोग लगातार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो मैंने यह द्वितीय अपील जिलाधिकारी कार्यालय मधेपुरा से किया था, जिन्हें में आयोग द्वारा नोटिस प्राप्त है। आप लोग बात संख्या देख लें, यह है बात संख्या है या आयोग के द्वारा नोटिस प्राप्त हुआ था। इसी पर मैंने सूचना आयोग में अपना पक्ष रखते हुए आपत्ति दर्ज किया, जिसके बाद लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध 25,000 रुपये का आर्थिक दंड लग चुका है। तो आप लोग भी जानें किस प्रकार अपना पक्ष रखेंगे। तो जिस भी राज्य से हैं या केंद्र के हैं तो इसी तरह लिख देंगे, सेवा में राज्य सूचना आयोग, अपने राज्य का नाम लिखेंगे, अपना पता लिख देंगे, वार्ड संख्या या नोटिस में जो वार्ड संख्या है ये वार्ड संख्या, इसी से संबंधित यहाँ भी लिख देंगे आप लोग, वार्ड संख्या इतना में आपत्ति दर्ज कर शिकायत करने के संबंध में। और फिर अपील का अपीलार्थी जो है अपीलकर्ता वो अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिखेंगे, उसके बाद बनाम लिख देंगे। जिस भी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आपने अपील किया था उस लोक सूचना पदाधिकारी का नाम लिखेंगे, फिर पता लिखेंगे पूरा, उसके बाद लिखेंगे महाशय मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक इतना प्रपत्र को, और जब भी जिस दिनांक में आप लोग किए होंगे रजिस्ट्री डाक से या जमा किए होंगे उसका दिनांक देना, तो रजिस्ट्री डाक द्वारा सूचना की मांग किया था लेकिन मुझे ससमय वांछित सूचना नहीं दी गई है। अब सूचना नहीं दी गई तो अपील करने के बाद जिस भी पत्रांक दिनांक से यह आदेश प्राप्त हुआ था लोक सूचना पदाधिकारी या अपीलकर्ता को, तो उस पत्रांक दिनांक का भी नाम देंगे कि पत्रांक दिनांक इतना के आयोग के आदेश के बावजूद मुझे अब तक वांछित सूचना नहीं दी गई है, या किसी को झूठी सूचना दी गई हो तो वो अपना लिखेंगे, अपने परिस्थिति अनुसार जो आवेदक कहना चाहते हैं अपीलार्थी कहना चाहते हैं वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद अतः आयोग से सविनय निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि पहला, दोषी लोक सूचना पदाधिकारी या कर्मचारी पर धारा 20(1) के तहत आर्थिक दंड लगवाने की कृपा की जाए। तो जब भी विलंब होता है या गलत ढंग से सूचना दी जाती है तो वही 20(1) के तहत आर्थिक दंड लगाया जाता है। दूसरा, अपना काम ससमय ठीक से नहीं करने और जनता को परेशान करने के कारण दोषी पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(2) के तहत दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विभाग को सिफारिश करने की भी कृपा की जाए। तीसरा, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(8)(b) के तहत अपीलार्थी या अपीलकर्ता को प्रथम अपीलीय द्वितीय अपील यात्रा खर्च यात्रा ठहराव खर्च एवं हुई आर्थिक क्षति के लिए मुआवजा दिलाने की भी कृपा की जाए। अगर सूचना ससमय नहीं मिला तो उसमें जो खर्च अपीलार्थी को लगता है वो भी धारा 19(8)(b) के तहत आयोग से मिल सकता है निवेदन करने पर, तो इस प्रकार आप लोग भी लगा देंगे। चौथा है कि कोरोना के कारण यदि
वर्चुअल सिस्टम कोर्ट चलता है किसी किसी राज्य में, अब भी चल रहा है, तो लिख देंगे यदि बात की सुनवाई वर्चुअल सिस्टम से की जाती है तो इसका लिंक मुझे SMS या ईमेल के से यथाशीघ्र अवश्य प्रेषित करें। अपना हस्ताक्षर लिखेंगे, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल नंबर भी दे देंगे, अनुलग्न में आयोग के आदेश की छायापति और जो भी देना चाहते हैं आप लोग इस तरह करके आयोग में अपना पक्ष रखेंगे। मैंने इस प्रकार पक्ष रखा और इसमें जो है दोषी लोक सूचना पदाधिकारी को 25,000 रुपये आर्थिक दंड भी लग चुका है, जिसका आदेश मुझे प्राप्त है। आप लोग भी ध्यान दें। वार्ड संख्या देखिए ये सेम है, यह है अपनार्थी जिला कार्यालय इतना है। इसमें देखिए आप लोग पूरा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 20(1) के अंतर्गत 25,000 रुपये का आर्थिक दंड अध्यारोपित किया जाता है। आरोपित दंड की सूचना जिलाधिकारी मधेपुरा, कोषागार जिलाधिकारी मधेपुरा एवं महालेखागार बिहार को दी जाए। इसके साथ अपील वाद समाप्त किया जाता है। इस प्रकार यदि आप लोग भी आपत्ति लगाएंगे या अपना पक्ष रखेंगे तो निश्चित है दोषी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध अवश्य कार्रवाई होगी। जय हिंद।